हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस होता है। ये कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं और इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस है, या फिर लिस्ट की कोई इंप्लीमेंटेड क्लास आपसे पूछ लिया जाता है और इसी तरह से सेट इंटरफेस की जो इंप्लीमेंटेड क्लासेज होती है उनसे रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने एरे लिस्ट लिया हुआ है जो लिस्ट इंटरफेस की इंप्लीमेंट क्लास है और इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स स्टोर कराया है और फिर यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया है। ठीक उसी तरह से हमने हैश सेट क्लास को लिया हुआ है जो कि सेट इंटरफेस का एक इंप्लीमेंटेड क्लास है और वही एलिमेंट हमने यहाँ पर इसमें स्टोर कराए हैं जो हमने एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कराए हुए हैं और फिर बाद में यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, प्रिंट करा दिया है। तो चलिए पहले हम इसको रन कर लेते हैं, फिर हम इसके जो डिफरेंस है इनके बीच में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं इस आइकन पर और इस पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा एरे लिस्ट के अंदर जो हमने एलिमेंट्स स्टोर कराए हुए थे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे और हैश सेट के अंदर जो हमने एलिमेंट्स स्टोर कराए थे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। लेकिन एरे लिस्ट के अंदर आप देखिएगा कि हमने सबसे पहले यहाँ पर 3 स्टोर कराया है, फिर 1 स्टोर किया है, फिर 5 स्टोर किया है, फिर 2, फिर 4 और फिर लास्ट में 3। जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर स्टोर कराया है, मतलब अगर हमने यहाँ पर पहले 3 को स्टोर कराया है तो यहाँ पर आपको पहले 3 मिलेगा, फिर हमने 1 को स्टोर कराया है तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। इसी तरह से क्या होता है कि जो लिस्ट की इंप्लीमेंटेड क्लासेस होती हैं या लिस्ट इंटरफेस होता है वो क्या करता है, इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो करता है। मतलब जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट को स्टोर कराते जाते हो उसी ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स रिट्रीव होते हैं। लेकिन जो हैश सेट होता है, मतलब सेट की इंप्लीमेंटेड क्लासेस होती है, उसमें ऐसा कोई भी नहीं होता है, मतलब ये इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। यहाँ पर देखिए हमने पहले 3 को स्टोर कराया है लेकिन जो 3 मिल रहा है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, फिर हमने 1 को स्टोर कराया है सेकंड नंबर पर लेकिन 1 आपको कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि सेट की इंप्लीमेंटेड क्लासेज जो होती है वो इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। यही इनमें मेन डिफरेंस होता है लिस्ट की इंप्लीमेंटेड क्लासेज में और सेट की इंप्लीमेंटेड क्लासेज में। जो दूसरा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो लिस्ट की इंप्लीमेंटेड क्लासेज होती है या लिस्ट होता है वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ करता है। मतलब आप लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को स्टोर करा के रख सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो 3 एलिमेंट है इसको 2 बार स्टोर करा है, एक सबसे स्टार्टिंग में और सबसे लास्ट में। तो आपको यहाँ पर आउटपुट में दिखाई दे जाएगा कि जो 3 है वो 2 टाइम यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सेट के अंदर हमने क्या किया है कि इसमें भी हमने सेम एलिमेंट को 2 बार स्टोर कराया, यानी कि 3 को स्टार्टिंग में और लास्ट में यहाँ पर स्टोर कराया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हैश सेट के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर आपको कहीं पर भी जो 3 2 बार है वो केवल एक ही बार प्रिंट हो रहा होगा। अगर हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और सेव करने के बाद दोबारा से प्रिंट कराते हैं तो भी आपको यहाँ पर देखिएगा कि जो 3 है वो केवल एक बार आपको शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 को हमने 3 बार स्टोर कराया हुआ है। अगर हम यहाँ पर आते हैं लिस्ट के अंदर और इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं और दोबारा से इसको रन करते हैं तो आपको आउटपुट स्क्रीन में देखिएगा कि जो 3 एलिमेंट है ये 3 बार आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो जो लिस्ट की इंप्लीमेंटेड क्लासेज होती हैं वो क्या करती है, डुप्लीकेसी को अलाउ करती है, बट जो सेट की इंप्लीमेंटेड क्लासेज होती है वो डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं करती हैं। ये मेन टू डिफरेंस होते हैं लिस्ट की इंप्लीमेंटेड क्लास में और सेट की इंप्लीमेंटेड क्लास में। लेकिन जो यहाँ पर लिस्ट से रिलेटेड जितनी भी क्लासेज होती है और सेट से रिलेटेड जितनी भी क्लासेज होती है वो यूटिल पैकेज के अंदर पाई जाती है, यानी कि कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी इंटरफेस या आपके जो क्लासेज होती है वो यूटिल क्लास के अंदर, यूटिल पैकेज के अंदर होती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि एरे लिस्ट किस पैकेज के अंदर होता है, जो तो एरे लिस्ट होता है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है या इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।